अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम x जमा a x जमा b की तौसी यानी एक्सपांशन ऑफ x जमा a x जमा b ये सीखेंगे। x जमा a और x जमा b ये दो रुकनियां हैं जिसमें x मुतगैर जो है वो मसावी है। तो इनकी हम तौसी किस तरह करते हैं ये सीखेंगे। यानी x जमा a x जमा b बराबर, यहां पर हम पहले x से x जमा b को जर्ब करेंगे और फिर a से दोबारा x जमा b को जर्ब करेंगे। यानी x cos में x जमा b जमा a cos में x जमा b। x से x को जर्ब देने पर x कुवत 2 हासिल होता है, x से b को जर्ब देने पर x भी हासिल होता है, इसी तरह a से x को जर्ब देने पर हमें ax हासिल होता है और a से b को जर्ब देने पर हमें a भी हासिल होता है। इसलिए x कुवत 2 जमा, यहाँ पर दोनों अरकान में x मुश्तरिक है इसलिए हम x मुश्तरिक निकालेंगे और cos में x जमा b बचेगा। यानी a cos में a जमा b और cos के बाहर x जमा a b, जैसा का वैसा लिखेंगे। यानी x जमा a और x जमा b की तौसी सूरत x कुव्वत 2 जमा cos में a जमा b x जमा ए बी हासिल होती है। इस जाब्ते को हम अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। आइए इस जाब्ते पर हम कुछ मिसालें हल करके देखते हैं। मिसाल नंबर एक, x जमा 2 x जमा 3। आइए इस मिसाल को हल करते हैं। यहां पर यकसा अरकान x है इसलिए हम उसका पहले हम मुरब्बा लेते हैं। इसी तरह जो है जो गैर यकसा अरकान है यानी 3 और 2, उनकी जमा करके यकसा रुकन से उसको जर्ब करते हैं। उसके बाद जो गैर यकसा अरकान है उनका हासिले जर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो यकसा रुकन है उसका मुरब्बा लेंगे x कुवत 2 जमा गैर यकसा अरकान दोनों की जमा करेंगे यानी 2 जमा 3 कॉस में x जमा कॉस में 2 जर्ब 3। इसलिए x कुवत 2 जमा 3 और 2 की जमा 5 होगी, उसके x से जर्ब करने पर हमें 5x हासिल होता है, जमा 2 से 3 को जर्ब करने पर 6 हासिल होता है। इसी तरह मिसाल नंबर 2, p जमा 8 p नफी 3। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर यकसा जो रुकन है वो p है इसलिए हम उसका मुरब्बा लेंगे, p कुव्वत 2 जमा 8 और 3 की जमा नफी करेंगे यानी 8 नफी 3 कॉस में जर्ब p जमा 8 और नफी 3 का हम हासिले जर्ब करेंगे। यानी p कुव्वत 2 बराबर 8 में से 3 नफी करने पर हमें 5 हासिल होते हैं, उसको पी से जर्ब करेंगे 5 पी, और जो है 8 को नफी 3 से जर्ब करने पर हमें नफी 24 हासिल होता है। यानी पी कुवत 2 जमा 5 पी नफी 24। यहां पर हमने इस जाब्ते पर कुछ मिसालें हल की।